हेलो फ्रेंड्स, पूजा की देसी गुजराती रेसिपी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की हमारी रेसिपी है गुजरात की फेमस वाल की सब्जी, इसे लिमा बीन्स भी कहते हैं। अगर आपके मेरी सब्जी की रेसिपी पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी ही नई नई रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम वाल को इस तरह से रात भर के भिगो लिया था। तो यहाँ पर रात भर भिगोने के बाद हमारे वाल अच्छे से भीग चुके हैं। अगर आपको जल्दी है तो इसे आप एक घंटे के लिए गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं, तो भी आपके वाल अच्छे से भीग जाएंगे। तब इसे हम उबालने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है, अब उसमें हम वाल को ऐड कर देंगे। उसे मैंने अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर लिया है ताकि हम ये उबले हुए पानी के साथ ही इसे हम सब्जी में ऐड कर सकें। तो यहाँ पर वाल डूब जाए उतना ही मैंने पानी ले लिया है। अब आधा चम्मच जितना नमक ऐड कर दिया है। अब इसे हम मीडियम गैस के ऊपर 3 विसल तक होने देंगे और बाद में हमारे वाल अच्छे से पक जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने तड़के के लिए कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद आधा चम्मच राई ऐड कर देंगे, आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे, थोड़ी सी हींग ऐड कर देंगे हम, उसके बाद 2 तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 प्याज को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और साथ ही साथ 1 मिर्च को भी छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है। अब उसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहें तो क्रश की हुई प्याज भी ऐड कर सकते हैं। अब 1 चम्मच हम अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हम प्याज के अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। हमने वाल को उबालने के लिए छोड़ा तब भी ऐड किया था, तो यहाँ पर हम नमक हिसाब से ऐड करेंगे। अब हमारे प्याज थोड़े से गोल्डन हो जाए तब तक इसे हम भून लेंगे। अब हमारे प्याज थोड़े सोते हो चुके हैं, तो अब इसमें हम 1 टमाटर ऐड कर देंगे। उसको मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम सारे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम हल्दी ऐड कर देंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप मिर्च को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी का कलर कितना बढ़िया आया है। अब हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है, तो अब इसमें हम हमारे उबले हुए वाल को ऐड कर देंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब उसके बाद हम 1 नींबू का जूस ऐड कर देंगे और 2 चम्मच शक्कर ऐड करेंगे। अगर आपको गुड़ पसंद हो तो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच शक्कर लिया है। आपको जितना खट्टा मीठा पसंद हो उसी हिसाब नींबू और शक्कर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए होने देंगे और उसके बाद हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसे हम मीडियम गैस के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए होने देंगे ताकि हमारी ग्रेवी और सब्जी अच्छे से मिक्स हो जाए और सारे मसाले एक दूसरे में अच्छे से समा जाए। तो हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे। अब 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस तरह की मैंने रसे वाली बनाई है। अगर आपको गाढ़ा रसा पसंद हो तो आप ज़्यादा पानी भी रख सकते हैं। अब हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तब इसे ऊपर से हम हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे और इसे हम एक प्लेट या कढ़ाई में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कढ़ाई में सब्जी को निकाल लिया है। अब ऊपर से हम और हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। इस सब्जी को आप रोटी, पराठा या चावल के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।